कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपको एक मेल और फीमेल दिख रहे हैं दोनों के हाथ में कप्स हैं दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं एंड देन द मेल इज पुटिंग द हैंड फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है एक जेस्टर दे रहे हैं कि कप हम एक्सचेंज कर सके फॉर एक्सचेंज वो बॉडी लैंग्वेज उनकी वैसी बोल रही है अब उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है दो स्नेक्स ट्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस दिस लायन एंड विंग्ड फिगर है ये तो यानी कि क्या है यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं ये कार्ड क्या क्या दिखा रहा है एक तो डुअलिटी दिखा रहा है मेल और फीमेल दोनों एनर्जी का देन व्हाट आर दे एक्सचेंजिंग देर इज एन एक्सचेंज ऑफ इमोशंस तो डुअलिटी वाले जो कार्ड्स आते हैं वहां इमोशनल एक्सचेंज होता है वहां पे पार्टनरशिप की बातें होती हैं कुछ ऐसा जिसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों और वो इमोशनल कनेक्ट भी हों अब आप जरा कपड़ों की ओर ध्यान दीजिए तो ये जो फीमेल के कपड़े हैं दीजा वाइट एंड ब्लू ऊपर से है तो एनर्जीज कैसी हुई मून वाली एनर्जीज हुई वाटर एलिमेंट वाली है देखेंगे तो इसपे देर आर प्रिंट्स तो यहाँ पे क्या है दिस पर्सन इज हाईली क्रिएटिव यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट्स आप देख रहे हैं दोनों ने सिर पे अब इन्होंने लाल रंग के फूल लगाए हुए हैं तो इसका मतलब इनके अंदर डिजायर्स हैं पैशन है और फीमेल का उतना ही आप कलर देखेंगे तो काम और सूदिंग कलर्स हैं और कुछ भी रेड में नहीं है तो यहाँ पे कैसी फीलिंग्स हो गई यहाँ पे फीलिंग्स हो गई आ, मतलब इमोशनल फीलिंग्स हो गई सौम्यता हो गई जैसे चंचलता सौम्यता जो मून के एट्रीब्यूट यहाँ पे वो देखने को मिल रहे हैं फीमेल एनर्जी में मेल एनर्जी में क्या है दोनों एनर्जीज में जो कार्ड हमें सिम्बॉलिकली समझा रहा है राइट right? अब हम एक बारी देखते हैं जस्ट वेट वेटस आई जस्ट स्विच दी नेट कनेक्शन ओके okay. तो यहाँ पे हमने अभी सो जाना अब हम इसके इंटरप्रिटेशन पार्ट पे आते हैं मैम पहले तो ही दादा ज़्यादा एक ऐसा कार्ड है जहां मैंने आपको बताया ड्यूअली प्रेजेंट करेगा पार्ट वाला नेटवर्क मैम बेहतर स्विच टू प्रीवियस प्रीवियन एक्चुअली उसमें ओके warning... okay. तो ये कार्ड जब भी आएगा इट विल रिप्रेजेंट पार्टनरशिप इट विल रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप या ऑपोजिट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल एनर्जी कैसी है काम है सूदिंग है और मेल एनर्जी कैसी है बहुत पैशनेट और डिजायरस है तो ये कार्ड एक हार्मनी का भी कार्ड है अब यहाँ पे क्या है वो मेल और फीमेल एक्सचेंज कर रहे हैं कप्स को यानी कि क्या एक्सचेंज हो रहा है एक्सचेंज ऑफ लव इमोशन एक्सचेंज हो रहा है अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एनर्जी जो है डिवाइडेड भी है और एंट्वाइंड भी है entwined हमें कैसे पता चलता है वो स्नेक जो एक दूसरे को क्रिसक्रॉस करते हुए सामने देख रहे हैं अब जो इंटरेस्ट और नीड्स हैं इन दोनों की ये दोनों कंसिडर करने वाली हैं। टू ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो अर्ली स्टेजेस डिफाइन करता है एक रिलेशनशिप की जहां पे एक दूसरे को भी समझना बाकी है जानना बाकी है बस एक रिलेशनशिप इनिशिएट हुआ है तो ये इंडिकेट करता है जैसे एंगेजमेंट हो गई है या जो फिक्स हो जाता है रिलेशनशिप उसको भी या एक ऐसा लव अफेयर या क्लोज सपोर्टिव फ्रेंडशिप पार्टनरशिप ये ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो म्यूचुअल बेसिस पे दो लोगों में तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे प्योर एनर्जी ऑफ लव इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल जो सांप दिखाए हैं दो सांप है एक अच्छा और एक बुराई का गुड एंड ईवल बोथ एनर्जीज तो वो क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सिग्निफाई कर रहा है कोई भी एनर्जी पूरी तरह से ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है बिकॉज अर्थली एनर्जीज हैं तो मिक्स्ड हैं। जब ये फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कितनी भी एनर्जी होगी कितने भी लोग होंगे तो कोई पूरी तरह ना तो पॉजिटिव होगा ना पूरी तरह नेगेटिव होगा वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो वही चीज ये दर्शा रहा है जबकि लायन इट इज एसोसिएटेड विथ कार्नल डिजायर्स और उसके अंदर उसके साथ विंग्स भी हैं इसका मतलब स्पिरिचुअल और फिजिकल लव में बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश बता रहा है ये कार्ड अब ये कार्ड ज्यादातर लोग कब कंफ्यूज होते हैं जब ये कार्ड आ जाता है कि आज क्या और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देखिए आपको ये पता है ये कार्ड क्या बता रहा है इनिशियल स्टेजेस दिखा रहा है रिलेशनशिप की तो जब तक आपको आपकी रीडिंग में कमिटमेंट का कार्ड ना मिले जो हम आगे पढ़ेंगे माइनर आरकाना में भी हमने मेजर में पढ़े हैं कमिटमेंट से रिलेटेड कार्ड्स कौन से हैं कहाँ उतनी मैच्योरिटी अब जैसे आपको ये टू ऑफ कप्स के साथ अगर आपको फूल कार्ड दिख जाए तो आप क्या कहेंगे आप सिंपल कह देंगे कि भैया कमिटमेंट के लिए ये तैयार नहीं है अब अगर इसी जगह आपको कोई मच्योर कार्ड दिख जाए कार्ड दिख जाए तो आप क्या कहेंगे कि एज में थोड़े बड़े हैं लेकिन मच्योरिटी है एंड विल हैंडल द थिंग्स वेरी वेल तो वहां पे क्या है हमें कमिटमेंट जैसी चीजें दिख रही हैं एक सॉलिड फाउंडेशन है जिसपे रिलेशनशिप टिक जाएगा अब इस कार्ड को जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो कमिटमेंट टू रोमांस अदर मनी इन पार्टनरशिप ये इनिशिएट हो रहा है ये कार्ड दर्शाता है कि फ्यूचर आइडियाज को आप शेयर कर रहे हैं तो इसमें कमिटमेंट के लिए प्लीज इसके साथ आने वाले कार्ड्स को जरूर देखिएगा कि वो कितने पॉजिटिव हैं तभी आप अपने क्वेरेंट को जवाब दे पाएंगे जैसे अगर इसी के साथ मैं आपको कहूं फोर ऑफ वॉर्ड्स आ जाए सपोज हमने वॉन्ड के कार्ड्स तो हमने कर लिए ऑफ क्या होम कमिंग का कार्ड था कपल वॉज गेटिंग मैरिड अब टू ऑफ कप्स के साथ फोर ऑफ आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में बदलेगा कि वो कमिटमेंट हो जाएगा शादी हो जाएगी राइट right? अब अगर इसके साथ सपोज बिजनेस पार्टनरशिप में है और इसके साथ हमारा थ्री ऑफ तो वहां क्या है कि वो पार्टनरशिप एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये क्या है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठा के सोचते हैं कि कौन से कार्ड के साथ क्या आएगा राइट right? तो अब इसमें अगर यही कार्ड आपका रिवर्स्ट में आ जाए तो आप क्या कहेंगे रिवर्स में आ जाएगा तो रिलेशनशिप बैलेंस से बाहर हो रही देर इज डिसमेंट जब अपराइट था तो क्या हो रहा था एक्सचेंज हो रहा था इमोशंस का अभी क्या है कि वो ऑब्स्टिकल्स इतने आ चुके हैं कि देर इज अ डिसग्रीमेंट और जो प्यार था वो अब किस में बदल गया है वो अब हेट uh, या डिस्पेयर में बदल गया है कई बार क्या होता है कि इतना हो जाता है कि देन इट बिकम्स द फीलिंग्स बिकम्स नम ना वो हाँ है ना वो ना है बस चल रहे हैं वो वाला हाल तो ऐसे में आप गाइडेंस क्या देंगे गाइडेंस होगी कि एटलीस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर और एक दूसरे को उनकी स्पेस देनी चाहिए ये तो होता क्या है रिलेशनशिप में आके एक कड़वाहट इतनी आ जाती है दैट पीपल जस्ट टेंड टू ग्रो इन अ नेगेटिव वे कि अगर आपको उनसे वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो एक रिवेंजफुल इंसान हो जाता है या वेंजन से भर जाता है तो उसकी जगह अगर हम होपोनोपोनो प्रैक्टिस करके उन्हें उनकी स्पेस दे दें कि ठीक है यू हैव टू बी न्यूट्रल के ओके दिस पर्सन इज अलोंग बट देन इमोशंस आर नॉट बीइंग अटैच लेकिन एज एन इंडिविजुअल जो उनकी एक रिस्पेक्ट उनका एक स्थान होना चाहिए वो हम उन्हें दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम दो काम कर रहे हैं एक हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जिस प्रकार से आत्मा का वास हमारे अंदर है वैसे ही उनके अंदर भी है तो हमने उनको उनकी जर्नी में सहायक हुए हमने कुछ भी ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया वी जिस गेव देम देयर स्पेस दूसरी चीज क्या होगा कि वंस यू ग्रो यू ऑल्सो लर्न टू डिटैच योर नेगेटिव कॉर्ड्स तो जब आपने फॉरगिवनेस कर दी तो क्या होगा नेगेटिवली कोई भी कॉर्ड आपको रोकेगी नहीं आपका प्रोग्रेस नहीं रुकेगा सो एज एन इंडिविजुअल अगर आप ये चीज समझ जाएंगे कि उन्हें भी वो स्पेस वो रिस्पेक्ट उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी Now, in your journal, you're going to take time to reflect on the bonds of love and friendship you have with one another. Have the people in your life helped you to develop spiritually? See, for this one thing, I would answer that would be a big yes. Yes, people have helped me grow spiritually. स्पेशली हु दोज पीपल वो लोग जिन्हें मैं टॉक्सिक समझती थी उन्होंने मेरी इतनी सहायता की और ये कैसे कह सकते हैं हम सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम स्पिरिचुअली जो इवॉल्व होते हैं जो हम वैराग में जाते हैं वो हम उन्हीं लोगों के वजह से जाते हैं जो हमें पेन देते हैं क्योंकि तब हमें समय मिलता है खुद से कनेक्ट करने का डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का ईश्वर से कनेक्ट करने का सो दो पीपल होम यू थिंक हैव अ रीजन बिहाइंड योर पेन और वारी आर एक्चुअली द पीपल हु इन योर स्पिरिचुअल जर्नी